हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स इंग्लिश का चैप्टर डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, जहाँ पर रेत ही रेत होती है, और एनिमल्स का मतलब तो आपको पता ही है, जानवर। तो इस चैप्टर में हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यू कैन यू नेम सम डेजर्ट एंड एरियाज इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो आपसे बोल रहे हैं कि इंडिया में और वर्ल्ड में जो भी डेजर्ट मरुस्थली क्षेत्र है, क्या आप बता सकते हैं? जैसे हमारा थार डेजर्ट है जो राजस्थान में है, वो हम इंक्लूड कर सकते हैं। हु डू यू थिंक लिव्स इन सच एरियाज? तो क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसी एरियाज में जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, बहुत ड्राई, बहुत गर्मी होती है, तो वहाँ पे कौन रहता होगा? चलिए पढ़ते हैं चैप्टर अब। Deserts are the driest places on earth and sometimes go for months or even years without rain. तो desert यानी कि जो मरुस्थल या रेगिस्तान जो होते हैं, अर्थ के, पृथ्वी के सबसे driest यानी कि सूखे भाग या सूखे क्षेत्र होते हैं। कभी कभी तो यहाँ पर बारिश नहीं होती है, महीनों बारिश नहीं होती है, कभी सालों भर बारिश नहीं होती है। कहाँ पर? Deserts में। But even the deserts animal cannot survive without water. Or for long periods in the scorching sun, so they have had to find different ways of coping with the harsh conditions. तो हमें पता है जो डेजर्ट है वहाँ पे बहुत ज्यादा हॉट होता है, गर्मी होती है। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। तो जो डेजर्ट एनिमल्स है वो भी पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, नहीं रह सकते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ पीरियड इन द स्क्रोचिंग सन। स्क्रोचिंग यानी कि बहुत तेज की गर्मी जो होती है, तो बहुत तेज की गर्मी जब होती है तो जो डेजर्ट एनिमल्स है वो भी पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते वहां पे। सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कॉपिंग विद द हार्श कंडीशन। तो ऐसा होता है कि उनमें वो कुछ ऐसी हैबिट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं या उनकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं कि वो उस क्लाइमेट की या डेजर्ट में जो हार्श कंडीशन होती है वहां वो आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, आसानी से वो रह लेते हैं वहां पे। For example, gerbils spend the hottest part of the day in cool underground burrows. Gerbils क्या होते हैं? Mouse like desert rodents. Rodents उन जानवरों को कहते हैं जो कुतरते हैं, with long hind legs. तो gerbils क्या होते हैं? बिल्कुल mouse यानी कि चूहे जैसे होते हैं, कुतरने वाले जीव होते हैं, और उनके पीछे के जो पैर होते हैं काफी ज्यादा लंबे लंबे होते हैं। तो gerbils क्या करते हैं? Spend the hottest part of the day. दिन में जब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है वो कहाँ चले जाते हैं? वो चले जाते हैं अपने बुरोज में। बुरोज मतलब जमीन के अंदर जो होल होते हैं उनको बुरोज कहते हैं। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स आर एक्सपर्ट एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स। और जो एक इंसेक्ट होती है डार्कलिंग कहते हैं जिसको, वो बड़ी एक्सपर्ट होती है ड्रॉप्स को पकड़ पा मॉइस्चर यानी कि पानी के ड्रॉप्स को, बूंदों को पकड़ने में उनके लेग्स में, ठीक है। फिर क्या करती है वो ड्रॉप्स को ऊपर उछालती है और फिर वो ड्रॉप उनके मुंह में आ जाता है। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। तो इसमें कहा गया है कि सभी जो डेजर्ट है जरूरी नहीं कि सब में क्या हो, रेत ही रेत हो, बिल्कुल भी वहाँ पे हरियाली ना हो। समार रॉकी और वह भी कुछ क्या होते हैं, रॉकी पत्थर वाले होते हैं, कुछ कंकड़ वाले होते हैं। एंड डॉटेड विथ स्मॉल बुशेज, और कहीं कहीं पर तो थोड़ी थोड़ी घास। बुशेज का मतलब होता है जो नुकीली झाड़ियाँ होती हैं, कांटेदार झाड़ियाँ बुशेज भी होती हैं। वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग, और कहीं कहीं पर तो स्प्रिंग बसंत के मौसम में फ्लावर्स भी आते हैं। देर आर मोर देन 2,300 डिफरेंट काइंड ऑफ स्नैक्स अराउंड द वर्ल्ड। तो इसमें बात की गई है कि हमारे पूरे दुनिया में 2,300 अलग प्रकार के सांप पाए जाते हैं, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स, और जो 15 सेंटीमीटर लंबे भी हो सकते हैं और 11 मीटर लंबे भी हो सकते हैं। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। अधिकतर जो सांप होते हैं वो ज्यादा हार्मफुल यानी कि ज्यादा हमारे लिए घातक नहीं होते हैं, बट देयर आर अ फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट। लेकिन कुछ इतने ज्यादा पॉइजनस जहरीले होते हैं कि सिर्फ उनकी एक बाइट से यानी कि एक डंक से ही कोई इंसान मर सकता है। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स। अधिकतर जो सांप होते हैं वो अंडे देते हैं, बट देर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बच्चे देते हैं। इन द ड्राई
rocky deserts of America lives a rather evil-looking snake with a very bad reputation. तो यहाँ पे एक snake की बात की गई है जो कहाँ पर रहता है, अमेरिका में रहता है, ड्राई रॉकी डेजर्ट, अमेरिका के जो सूखे पथरीली जो मरुस्थल है वहां पर रहता है, जिसकी वहां पर रेपुटेशन बहुत खराब है, यानी कि वो बहुत गंदा स्नेक है, ऐसे बोला जाता है वहां पे. इट्स फ्राइटनिंग रैटल, रैटल मतलब उसकी आवाज, ठीक है, कैन बी हेयर्ड एज फार एज 30 meters अवे. तो इसकी जो रैटल, इसकी जो स्नेक होती है, साउंड होती है, डरावनी होती है बड़ी, और वो हम सुन सकते हैं 30 meters दूर से भी सुन सकते हैं. एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्पीड, और बहुत ज्यादा तेजी से, बहुत स्पीड से ये हमको क्या कर सकता है, हमारी ओर हमको झपट सकता है, हमारी ओर झपट सकता है, हमला कर सकता है, यानी कि ये लाइट की स्पीड से हमला कर सकता है आप पे. नेक्स्ट है बट द रैटल स्नेक, और स्नेक का नाम क्या है, रैटल स्नेक. बट द रैटल स्नेक और रैटल, रैटलर एज इट समटाइम्स कॉल्ड, कभी कभी इसको रैटलर भी कहा जाता है, प्रीफर्स टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबली कैन. लेकिन जो रैटल स्नेक होता है वो लोगों के सामने नहीं जाना चाहता है, मतलब लोगों के सामने जाने से बचना चाहता है. इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रैटल्स द एंड व्हेनेवर इट इज डिस्टर्ब. तो जब कोई इसको डिस्टर्ब करता है या इसको लगता है कि इसको कोई परेशानी हो सकती है, क्या करता है, अपनी टेल को बिल्कुल सीधी पकड़ लेता है एंड रैटल्स द एंड व्हेनेवर इट डिस्टर्ब, और क्या करता है, पूरा पूरा एक गोल गोल सा बना लेता है वहां पे, कुंडली सा बना लेता है. इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे, और इस ऐसी उम्मीद रहती है इसको कि जो आया है इंट्रूडर, यानी कि जिससे इसको खतरा हो सकता है, वो डर से चला जाएगा. हाउएवर इफ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड, तो कभी कभी जब हम इसकी वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं, यानी कि हम सोचते हैं कि ये तो कुछ नहीं करेगा, एंड इट फील्स थ्रेटन्ड, और उसको डर लग जाता है, इट विल कॉइल रेडी टू बाइट, तो ये क्या करता है, काटने के लिए रेडी हो जाता है, फन फैला देता है. बट द रैटलर इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज इट्स ओन टेल मेक्स, लेकिन इसकी जो टेल है ना, इसकी जो पूंछ है जो साउंड प्रोड्यूस करती है, जो नॉइज शोर करती है, उसको रैटल बोलते हैं. तो इस ये खुद अपनी रैटल को नहीं सुन सकता है. लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड, तो हमें पता है जो स्नेक्स होते हैं वो सुनते नहीं है, वो बस वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं, फील करते हैं जो ग्राउंड में होती है. तो अधिकतर सांपों की तरह ये सांप भी क्या करता है, सुनता नहीं है, बट ओनली इट कैन फील वाइब्रेशन, ओनली वाइब्रेशन महसूस करता है. इफ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, तो क्या इसमें फिर कहा गया कि इफ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, तो अगर कोई आदमी स्नेक के आसपास से गुजर रहा होता है तो ये मूवमेंट को फील करता है, महसूस करता है. बट इफ द सेम पर्सन वर टू शाउट, लेकिन अगर वही आदमी, वही इंसान चिल्लाए, वहीं पर खड़ा रहेंगे, इट वुड नॉट हेयर अ थिंग, तो ये कुछ भी नहीं सुनेगा. क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि जो सांप होते हैं वो आप उनके सामने कितना भी चिल्लाओ, कुछ भी करो, चिल्ला मतलब आवाज कुछ कितनी भी तेज की निकालो, वो सुनेंगे नहीं. लेकिन आप उनके पास से होकर गुजरेंगे तो उनको पता चलेगा कि कोई है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो भी हलचल होती है ना, वाइब्रेशन होती है जो हमारे चलने से या किसी चीज के हिलने डुलने से, तो वो सब ये फील करते हैं, ये सुनते नहीं है. रैटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स, ये जो कॉमनली पाए जाते हैं रैटल स्नेक्स, यानी कि हर जगह मिल जाते हैं, लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अमेरिका महाद्वीप में भी पाए जाते हैं, फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना, कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक. They fed on a variety of prey, यानी कि बहुत सारे जंतुओं को ये खाते हैं, including mice, जिसमें चूहे आ जाते हैं, voles आ जाते हैं, और voles क्या होते हैं, small plant eating rodents, मतलब कि ऐसे rodents, ऐसे कुतरने वाले जीव जो plants को खाते हैं, rats को खाते हैं ये, chipmunks को खाते हैं, chipmunks क्या होते हैं, small ground squirrels having light and dark strips, ground squirrels होती गिलहरियां होती हैं, जिसमें क्या होती है, light और dark, हल्की और गहरे कलर की धारियां होती है. एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स, और बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स को खाती है. रैटल स्नेक्स किल देयर प्रे विथ वेनम, तो जो रैटल स्नेक है, वेनम का मतलब होता है जहर. रैटल स्नेक अपने प्रे को, अपने शिकार को जहर से मार देती है. लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वॉलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल होल, तो क्या करती है, और सांपों की तरह पूरे जानवर को पहले तो मार देती है, और जहर से उसको क्या करती है, बेहोश कर देती है, मार देती है, फिर पूरा जानवर वो निकल जाती है, जैसे बाकी सारे सांप करते हैं. फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस
a week, and some suggest the larger pythons can survive for a year or more without eating. तो इसमें कहा गया कि कुछ सांप जो होते हैं have to eat more than once a week. उनको हफ्ते में एक बार से ज्यादा बार खाना पड़ता है, यानी कि एक से ज्यादा बार उनको खाने की जरूरत होती है. such as the large, लेकिन and some such as the larger python, लेकिन कुछ जैसे कि जो बड़े अजगर होते हैं can survive for a year or more without eating. वो क्या कर सकते हैं, एक साल से ज्यादा, एक साल या एक साल से ज्यादा देर तक या ज्यादा समय तक वो बिना खाए हुए रह सकते हैं जिंदा. मंगूस लाइक टू हंट टूगेदर बट दे ऑलवेज कीप अ लुकआउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाई. मंगूस का मतलब होता है नेवला, तो नेवले जो होते हैं साथ में शिकार करना इनको बड़ा पसंद है. बट दे ऑलवेज कीप अ लुकआउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर नियर बाई, लेकिन वो हमेशा सावधान रहते हैं कि क्या उनके जो उनका जो प्रीडेटर है, उनका जो शिकारी है, इनकी जो उनको मार सकता है वो आसपास तो नहीं है. पोकिंग देयर नोजेस इनटू होल्स, पोकिंग का मतलब होता है डालना, सूंघना कुछ भी, ठीक है. तो अपनी नाक उठा उठा के वो होल्स में डालते हैं. ओवरटर्निंग रॉक्स विद देयर पॉज, अपने पॉज से, अपने पंजों से वो पत्थरों को उठाते हैं और काटते हैं. एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लॉज, और अपने पंजों से जो नाखून होते हैं उनसे जो ग्राउंड है उसको क्या करते हैं, स्क्रैच करते हैं उसको, ठीक है. फिर है बैंडेड मंगूज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच. तो बैंडेड यानी कि झुका हुआ जो मंगूज होता है बड़ा अजीब सा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है. अ कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, दे ट्रेवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट 20 और टू फोरेज फॉर बेटल्स. फोरेज का मतलब होता है सर्च फॉर फूड. तो अमेरिका, अफ्रीका जो है, अफ्रीका के अधिकतर भागों में हम इनको देख सकते हैं. दे ट्रेवल इन ग्रुप ऑफ अबाउट 20 टू फॉरेज फॉर बीटल्स. तो ये लगभग 20 मंगूस एक साथ ट्रेवल करते हैं, एक साथ घूमते हैं भोजन की तलाश में. बीटल्स खाते हैं, मिलीपेड्स खाते हैं, अदर स्मॉल क्रिएचर अपने से छोटे जीवों को खाते हैं. दे लाइक टू हंट टूगेदर, इन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है साथ में शिकार करना. कीपिंग इन टच whenever they go out of sight behind rocks or bushes by twittering and calling. तो ये एक दूसरे के टच में रहते हैं. टच में रहना यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहना. whenever they go out of sight, तो जब भी ये कहीं बाहर जाते हैं, behind rocks, पत्थरों के पीछे, और bushes बाहर झाड़ियों के बीच से, by twittering and calling, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आवाज लगाते रहते हैं. always on the lookout for danger, हमेशा वो सावधान रहते हैं अपने शिकारी के लिए, यानी कि जो उनको हार्म कर सकता है, जैसे हॉक्स है, जो चील वगैरह होती है, ईगल्स हैं, और लार्ज स्नेक्स, बड़े बड़े जो सांप होते हैं. दे वार्न वन अनदर विद अ स्पेशल अलार्म कॉल इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस. तो वो एक दूसरे को वार्न करते हैं, यानी कि चेतावनी देते हैं, एक अजीब प्रकार की, विशेष प्रकार की अलार्म कॉल, यानी कि आवाज निकाल कर, अगर उनको कुछ भी सस्पिशियस यानी कि कुछ भी अजीब सा लगता है तो. नेक्स्ट है मंगूस आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स. तो मंगूस जो होते हैं वो किस लिए फेमस है, सांप को मारने के लिए फेमस है. विदाउट खुद को बिना नुकसान पहुंचाए हुए वो क्या करते हैं, सांपों को मार देते हैं, और इसलिए वे फेमस है. देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉज ईच टाइम टू स्नेक स्ट्राइक. डॉज का मतलब होता है मूव क्विकली, यानी कि अभी यहाँ पे तो अभी यहाँ पे जल्दी जल्दी मूव करना. तो उनकी रिएक्शन जो होती है बहुत ज्यादा फास्ट होती है, मतलब बहुत जल्दी ये क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है. तो फिर क्या करती है, स्नेक इनको अटैक करता है तो सांप को थका देती है. दे कंटिन्यू मेक अ न्यूसेंस ऑफ देमसेल्फ अंटिल आफ्टर अ व्हाइल व्हेन द स्नेक गेट्स टायर्ड दे क्विकली राइड इन फॉर द किल. तो ये सांप पे जब अटैक करती है, सांप से इनका सामना हो जाता है, तो क्या करती है, सांप को ये बहुत थका देती है, और सांप जब थक जाता है फिर ये उस पर हमला कर देती है उसको मारने के लिए. ऑल द फीमेल मंगूसेस हैव देयर किटन्स एट अबाउट द सेम टाइम. तो लगभग हर जो फीमेल मंगूस होती है, जो मादा मंगूस जो नेवला होते हैं, वो क्या करते हैं, एक ही टाइम पे बच्चे देते हैं अपने, एक ही समय पर. दे आर रेस्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डेन मेड इन साइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट और हॉलो डॉग. वो क्या करती है, और सारे जो ग्रुप मेंबर्स के द्वारा इनके बच्चों की देखभाल की जाती है इन अ डेनिक गुफा में, मेड इन साइड ओल्ड टर्माइट माउंट. टर्माइट यानी कि जो दीमक थे, दया वगैरह होते हैं, उन उधर पे ये रहती हैं. एंड होलो और होलो लॉग,
और जैसे लकड़ी का गुटका है उसका हॉलो, उसका खाली, कोई खाली खोखला लकड़ी का गुटका वहां पर होती है। व्हेन मोस्ट ऑफ द अडल्ट्स आर आउट लुकिंग फॉर फूड, अधिकतर जब अडल्ट्स जो होती हैं, बड़े जो होते हैं मंगूस, वो भोजन की तलाश में बाहर गए रहते हैं। वन और टू मेल्स स्टे बिहाइंड द स्टैंड गार्ड अंटिल द अदर्स रिटर्न फॉर द नाइट। तो एक या दो जो मेल्स होती हैं, मेल्स होते हैं यानी कि जो नर मंगूस, जो नर नेवले होते हैं, वो अपने जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ की सुरक्षा करते हैं जब तक वो जो बाहर खाने की तलाश में गए रहते हैं वो वापस ना आ जाए। अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज द कैमल। तो दूसरा एनिमल जो डेजर्ट में रह सकता है वो क्या है? कैमल है, ऊंट है। कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। तो कैमल जो है सबसे पहले बहुत सालों पहले ये डोमेस्टिकेटेड यानी घरेलू इनको इनको पाला गया था। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजली लिव इन स्मॉल ग्रुप ऑफ अप टू द 30 एनिमल्स। तो एनिमल्स कैमल्स जो होते हैं लगभग 30 एनिमल्स के ग्रुप में रह सकते हैं। कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म एंड शॉर्टर टाइडर कोट्स इन द समर टू कीप कूल। तो कैमल्स के क्या होते हैं? शैगी विंटर कोट्स होते हैं खुद को गर्म करने के लिए सर्दियों में, और गर्मियों में रहने के लिए इनका जो कोट होता है वो शॉर्टर होता है, टाइडर होता है, ताकि ठंडे रहे। अ थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर। तो जो एक प्यासा ऊंट है वो 30 गैलन पानी पी सकता है, दैट अबाउट 500 फुल ग्लासेस यानी कि 500 पूरे भरे हुए ग्लासेस इन जस्ट 10 मिनट्स, केवल 10 मिनट्स में। नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स एंड कैन सर्वाइव फ्रॉम अप टू 10 मंथ्स विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। नॉर्मली जो कैमल होता है वो सारा का सारा मॉइस्चर कहाँ से ले लेता है? जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं उनको खाकर ले लेता है। और ये बिना पानी पिए कब तक रह सकता है? सर्वाइव, कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 मंथ्स, लगभग 10 महीनों तक ये बिना पानी पिए हुए जिंदा रह सकता है। नेक्स्ट है, देर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ कैमल। तो अलग अलग प्रकार के दो कैमल्स होते हैं। वन नोन एज द ड्रोमेंड्री, एक का नाम क्या है? ड्रोमेंड्री है, हैज ओनली अ सिंगल हम्प, इसका सिर्फ एक ही कुबड़ होता है। द अदर इज कॉल्ड बैक्ट्रियन, दूसरे का नाम क्या है? बैक्ट्रियन है, कैमल है एंड हैज टू हम्प्स, और इसके दो दो कुबड़ होते हैं, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया इसके दो कुबड़ हैं, तो ये क्या हो गया? बैक्ट्रियन हो गया। और जो एक कुबड़ वाला होगा उसको ड्रोमेड्री कहते हैं, ड्रोमेड्री, ठीक है। नेक्स्ट है, द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स। तो जो हम्स होते हैं उस वो क्या काम करते हैं? स्टोरेज की तरह काम करते हैं और इसको डेजर्ट में मरुस्थल में जिंदा रहने में मदद करते हैं। बट दे डोंट स्टोर वाटर। हम लोग सोचते हैं कि जो कैमल का हम्प होता है वो उसमें पानी होता है, लेकिन ये गलत बात है। जो कैमल का हम्प होता है उसमें पानी नहीं होता है, एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव। तो जैसे कि अधिकतर लोग मानते हैं कि जो हम्प होता है कैमल का उसमें पानी होता है, लेकिन उसमें होता क्या है? दे आर फुल ऑफ फैट, उसमें चर्बी होती है, पानी नहीं होता है, चर्बी होती है, फैट होता है। दिस फैट नरिशेस द कैमल्स। तो ये फैट जो है ऊंट को पोषण देता है। व्हेन फूड इज स्केयर, जब खाने की कमी होती है तो क्या करता है? ऊंट को पोषण देता है। तो फैट हमने पढ़ा था ना साइंस में, फैट क्या होता है? फैट हमें एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है, फैट ज़्यादा एनर्जी देते हैं। तो जब एनिमल्स को कभी खाना नहीं मिलता है डेजर्ट एरिया में, वहाँ पे हरे प्लांट्स काफ़ी कम होते हैं, तो वो क्या करता है? इस फैट की हेल्प लेता है। तो ये जो स्टोर्ड फैट है उसके हम्प में, ये उस टाइम उसको नरिश करती है, उसका पोषण करती है। तो कैमल के हम्प में वाटर नहीं, फैट होता है। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, तो अगर कभी कैमल को खाने के लिए कुछ दिनों तक कुछ नहीं मिला, देयर हम्प श्रिंक एज द फैट इज यूज अप, और जो उनका हम्प होता है वो सूख जाता है, सिकुड़ जाता है, क्योंकि सारा का सारा फैट वो यूज कर लेते हैं। देर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह जैसे जो कैमल है खुद को डेजर्ट लाइफ में रहने के लिए अडेप्ट करती, अनुकूलित करती है। देर माउथ्स आर सो टफ, उनके मुंह जो है काफी कठोर होते हैं, टफ होते, सख्त होते हैं, दैट इवन द शार्प थॉर्न कैन नॉट पियर्स थ्रू, इतने सख्त होते हैं कि कोई नुकीला जो कांटा है वो भी उसमें चुभता नहीं है।
तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने डेजर्ट एनिमल्स के बारे में पढ़ा, क्या क्या डेजर्ट एनिमल्स थे। रेडर स्नेक था जो काफी ज्यादा पॉइजनस होता है, और क्या था, मंगूस था, और हमने पढ़ा था लास्ट में कैमल के बारे में। फिर हमने पढ़ा था दो तरह के कैमल्स होते हैं, है ना, एक होता है ड्रोमेडरी और एक होता है बैक्ट्रियन। ड्रोमेडरी वो कैमल होता है जिसके सिर्फ एक हम्प होती है, और बैक्ट्रियन वो कैमल होता है जिसके दो हम्प्स होते हैं, कूबड़ होते हैं। तो हम्प क्या काम करता है, ये फैट स्टोर करता है ना कि वाटर। और जब एनिमल कैमल को बहुत दिनों तक खाना नहीं मिलता है, पत्तियां नहीं मिलती है, तो वो ये हम में जो फैट स्टोर रहता है इसको यूज कर लेता है, ठीक है। और सारा जो फैट यूज होता है तो ये हम जो है वो श्रिंक हो जाते हैं, ये सिकुड़ जाते हैं। तो ठीक है, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।